आज हम बनाएंगे वेज पुलाव। देखिए फिर मैंने कुकर रखा, कुकर में तेल डाला है। अब तेल में हम सोयाबीन को हल्का फ्राई कर देंगे। देखिए फिर अब जो तेल बचा है इसमें हम डालेंगे जीरा, जीरा डालकर फिर प्याज और कड़ी पत्ता, मिर्चा, जैसे प्याज कड़ी पत्ता देखिए फिर मतलब प्याज फ्राई हो चुका। अब हम ये डालेंगे आलू, आलू टमाटर और हल्दी और नमक। अब हम इसको भी भूनेंगे, दो मिनट भूनेंगे। ये देखिए फिर मेरा प्याज टमाटर आलू और सब मसाला जो था मसाला हल्दी सब मिक्स हो गया। हम अब हम इसमें डालेंगे चावल। देखिए फिर मैंने इसमें चावल डाले, चावल को मिलाकर मैं दिखाती हूँ। ये फ्रेंड देखिए मेरा चावल मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे भुजा हुआ सोयाबीन और नमक। ये देखिए फिर मैंने इसमें सोयाबीन डाला है और नमक डाला है। अब हम इसको मिक्स कर इसमें आप पानी डालेंगे, इसको मैं मिलाकर पानी डालकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी इसमें आपको ज़्यादा नहीं डालना है, बस जितना आप चावल में पानी डालते हैं उतना ही पानी डालना है। उसमें बस थोड़ा सा ज़्यादा डालिए क्योंकि मैंने इसमें सब्ज़ी डाला है तो सब्ज़ी पकने में थोड़ा पानी लगता है ना। आप इसमें कोई सी सब्ज़ी डाल सकते हैं, पालक, गाजर, मूली, पत्ता गोभी, कोई सा भी सब्ज़ी आप डालकर बना सकते हैं। अब हम इसमें एक मेन चीज़ डालेंगे, वो है नींबू का रस। ये देखिए फ्रेंड मैंने एक चम्मच इसमें नींबू का रस डाला है। फ्रेंड नींबू का रस डालने से चावल खिला खिला आपको दिखेगा। अब हम इसमें सीटी लगाएंगे। देखिए फ्रेंड मेरा ये रेसिपी दिखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में इसे और टेस्टी लगेगा। जब ये बन जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड मेरी रेसिपी बनकर तैयार है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और टेस्ट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।